बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइमा कश्मीरी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम व्यूवर्स खैर वाफियत से होंगे। तो आज मैं एक और नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ सॉसेज के साथ बर्गर बना रही हूँ मैं दो तरह के। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो देख लें, लेकिन इससे पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट में बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी मायोनीज भी चाहिए होगी, चिली गार्लिक सॉस भी चाहिए होगी, आप चाहें तो केचप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें ऑयल चाहिए होगा, एक अदद अंडा चाहिए, दो हमें सॉसेज चाहिए और साथ में हमें थोड़े से खीरे चाहिए, ये मैंने लंबाई की सूरत में काट दिए थे। गोभी चाहिए थोड़ी सी और साथ में थोड़ी सी प्याज भी चाहिए और ये मैंने ले लिए थे दो बर्गर। तो चलिए अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। एक टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, और इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे। इस ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब यहाँ पे ये जो सॉसेज है इसको इस तरह से रखेंगे। इनकी साइड चेंज करते जाएंगे और सारी तरफ से इसको पकाएंगे, लाइट लाइट सा कलर आ जाए सारी तरफ इसका। पे ये अंडा फ्राई करेंगे, इसमें थोड़ी सी मिर्ची और नमक डाल के अच्छी तरह से बीट कर लिया था। अंडे को ये ग्रिल वाले पैन में बनाना जरूरी नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसी में मैंने डिलाइन को किया था, यानी सॉसेज को फ्राई किया था, तो साथ में इसी में फिर मैंने इसको अंडे को भी कर लिया है। अब यहाँ पे आप ये मत समझिएगा कि इसी में इसको बनाना ज़रूरी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये अंडा भी फ्राई हो चुका है, इसे भी निकाल लेते। अब यहाँ पे जो प्याज थे उनको हल्का सा हम फ्राई करेंगे ताकि प्याज की खुशबू निकल आए। बिल्कुल हल्का सा इसको यूँ समझ लें कि हम सोते करेंगे ताकि इसकी प्यारी सी खुशबू निकल आए। इसे हमें पकाना नहीं है, इसको कलर नहीं देना। बस थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे। बिल्कुल हल्का सा नमक डाला है, वो सिर्फ चंद सेकंड के लिए हम इसे कैरमलाइज करेंगे। और अब यहाँ पे आके हम बिल्कुल थोड़ी सी गोभी भी शामिल करेंगे और इसको भी चंद सेकंड के लिए हम इस तरह से सोते करेंगे। देखो प्याज की खूबसूरत सी खुशबू आ गई है, प्याज ने अपनी खुशबू छोड़ दी है। अब यहाँ पे हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे निकाल लेंगे। अब हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ पे एक सॉसेज को लेके इस तरह से मैंने गोल गोल उसको काट लिया है स्लाइसेस की सूरत में, और साथ में अंडा भी पक चुका है और हमारे प्याज और गोभी जो है वो भी कैरामलाइज हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ये मैंने बर्गर लिया था, ये देखें इस तरह से मैंने इसको अंदर से थोड़ा सा इसको काट लिया है, और इस साइड पे हम इसके लगाएंगे चिली गार्लिक सॉस। जितनी भी आप लगाना चाहें अपनी मर्जी से आप लगा सकते हैं, इसमें इस साइड पे भी लगाएंगे। अब इसमें ये हम डालेंगे प्याज और साथ में जो हमने गोभी डाली थी ये हम इसमें शामिल करेंगे।
करूँगी थोड़े से इसमें, ये जो खीरे हैं ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। अब थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस और डालेंगे। एक तो हमारा ये सॉसेज वाला बर्गर तैयार हो गया, अब साथ में हम दूसरा तैयार करते हैं। तो ये जो दूसरा है इस पर भी हम इस तरह से चिली गार्लिक सॉस लगाएंगे, और अब इस पर हम सबसे पहले ये जो हमने अंडा बनाया था वो हम इसमें डालेंगे, इस तरह से रखेंगे। थोड़ी सी चिली सॉस और डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये जो सॉसेज थे, ये हम इस तरह से इसमें शामिल करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी आप इसको में फिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे मायो, फिर इसमें ये जो खीरे थे वो शामिल करेंगे, थोड़ी सी बंद गोभी शामिल करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे चिली गार्लिक सॉस डालेंगे, और इस तरह से इसको ये ऊपर रखेंगे। ये हमारा दूसरा बर्गर भी तैयार हो चुका है। ये तो ये हमारे दोनों बर्गर तैयार हैं, एक जो मैंने फुल सॉसेज उसमें डाला है, दूसरा जो है वो अंडे के साथ और उसको स्लाइसिस करके इसमें डाला है। ये दोनों तैयार हैं, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको ये कैसे लगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।